श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषिवरों से कहा कि उस बेल रूपी धर्म ने गाय रूपी पृथ्वी से पूछा कि तुझको क्या दुख प्राप्त हुआ जो रोती है? कथा चित्र तुझे मेरे तीन पेड़ टूट जाने का शोक है, उसका ये कारण है कि कलयुग में बहुत पापी मनुष्य उत्पन्न होकर अपना धर्म और कर्म छोड़ दिया है और शुभ कर्म संसार से उठ गए हैं। कलयुग में लोग ये चाहते हैं कि दामाद से रुपया लेकर अपनी कन्या का विवाह करें और पुत्र का पालन इस विचार से नहीं करते कि जवान होने पर बाप के साथ झगड़ा करेगा। ब्राह्मण लोग वेद पढ़ने में लालच करते हैं और शूद्र वेद पुराण पढ़ने की इच्छा रखता है। क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की रक्षा और सेवा करना छोड़ दिया है। राजा लोग प्रजा से अन्न ले लेते हैं और यदि कुछ लगान बाकी रह जाता है तो कहते हैं कि अपना बेटा या बेटी बेच कर देना। आत्मा तू इस वस्तु तो रोती है कि श्याम सुंदर रास बिहारी जो तेरे ऊपर अपने चल रखते थे संसार से अपने वैकुंठ धाम को पधार गए हैं और कलयुग में आधार्मी राजा होकर तेरे ऊपर भोग करेंगे। अपना मन का हाल हमसे बतला। ये वचन सुनकर गौ ने कहा, तुम सब बातें जानबूझकर मुझसे क्यों पूछते हो? जिस कारण तुम्हारे तीन पैर तप, क्षमा और दया के टूट गए हैं, केवल एक पांव सत्य का रह गया है, उसीलिए मेरा रोना भी समझो। क्योंकि मनुष्य का सुख धर्म और दया से है। जब मनुष्य ने धर्म, क्षमा और दया छोड़ दिया है तब वे परमेश्वर को नहीं जान सकते और ये बात नहीं जानते कि धर्म करने से ज्ञान होता है। कोई मनुष्य कहते हैं कि मेरा मन संसार से वृत्त नहीं होता, सो बिना ज्ञान प्राप्त संसारी मोह छूटना बहुत कठिन है। मैं चार वर्णों के मनुष्य और राजा लोक के लिए शोक करती हूं। कलयुग आने से सबको दुख होगा। मेरा अधिक रोना इस वस्तु है कि वृंदावन बिहारी अपने गोलोक धाम को पधारे। जब मुरली मनोहर के चरण कमल शंख चक्र गदा पद्म के आकार मेरे ऊपर बन जाते थे तब मुझे बहुत आनंद होता था। ऐसा कौन जीव जगत में है जिसे श्याम सुंदर के अंतर ध्यान होने से शोक ना हो? 36 गुण श्याम सुंदर में थे, उनका वर्णन तुमसे कहती हूं सुनो। सत्य बोलना, आचरण से रहना, हृदय में धैर्य रखना, क्षमा करना, संसारी मोह माया से वृत रहना, जो कुछ परमेश्वर देवे उसमें संतोष रखना, मीठे वचन बोलना, मन और इंद्रियों को वश में रखना, सब छोटो बड़ो को बराबर जानकर किसी का अपमान ना करना, किसी के दुर्वचन के जैसे बुरा ना मानना, किसी काम में जल्दी ना करना, सुनी हुई बात याद रखना, अपना कहा हुआ वचन ना भूलना, ज्ञान को स्थित रखना, मन में वैराग्य रखकर स्त्री पुत्र से अधिक मोना रखना, धन पाकर किसी से अभिमान की बात ना बोलना, बल अधिक होने से घमंड ना करना, सबसे श्रेष्ठ होना, सब विद्याओं को जानना, दूसरे का दुख देकर दुखित होना, किसी से ना डरना,
जो कोई अपना दुख कहे उसे मन लगाकर सुनना, भूत भविष्य वर्तमान तीन लोक की बातें जानना, अपने मन का हाल किसी से ना बदलाकर समुद्र के किनारे गंभीरता रहना, धर्म की तरफ से मन नहीं फेरना, धर्म और वेद की रक्षा करना, संसार में ऐसी कीर्ति करना जिसमें सब कोई भला कहे, आंखों में शर्म रखना, किसी जीव को दुख ना देना, जो कोई दीन होकर अपना अर्थ कहे उसकी इच्छा पूर्ण करना, परमेश्वर का ध्यान करते रहना, सबसे अधिक बोलना, तीनों लोक में किसी शूरवीर को ना समझना, साधु ब्राह्मण महात्माओं का आदर करना, पर उपकार करना, सो ए बेल रूपी धर्म, श्याम सुंदर को इन सब गुणों के होने पर भी कुछ अहंकार नहीं था। 36 गुणों के सिवा और भी बहुत से शुभ कर्म उनमें थे। जिस समय उनको याद करती हूँ उस समय मेरा कलेजा फट जाता है। देखो जिस लक्ष्मी के मिलने के वस्तु सब देवता संसारी मनुष्य अपना तप और जप करते हैं, वही लक्ष्मी कमल वन को छोड़कर दिन रात श्याम सुंदर की सेवा में रहती है। ऐसी मुरली मनोहर की मैं दासी हूं। जब द्वापर के अंत में तुम्हारे दो पैर टूट गए थे और मैं कंस आदि राजाओं के अधर्म करने से दुखी थी, तब वैकुंठनाथ ने यदुकुल में अवतार लेकर हमारा और तुम्हारा दुख छुड़ाया और अपनी कीर्ति संसार में फैलाई। ऐसे परोपकारी के वियोग का दुख कौन सह सकता है। गाय रूपी पृथ्वी बैल रूपी धर्म से कहती थी और राजा परीक्षित खड़े सुनते थे।